हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ स्किपिंग रोप जंप। इसको करने के तीन इजी तरीके, जिससे आप 15 दिन के अंदर अंदर ये सीख जाते हो आसानी से। बट जिनको नी पेन या नीज का इश्यूज है, वो थोड़ा जंप को अवॉइड करें। कुछ जिन्हें नी का इशू भी है, वो मेरी लास्ट वीडियो मैंने इसी पे डाली है कि नी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाए। वो जिनको नी प्रॉब्लम्स भी है, वो उस वीडियो को जरूर देखें। बाकी ये एक तरह की बॉडी वेट ट्रेनिंग है, एंड इससे आप अपने काफ्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एंड लोअर बॉडी की भी स्ट्रेंथनिंग अच्छी हो जाती है इस वर्कआउट से। ये एक तरह की एरोबिक एक्टिविटी है, और ये वार्म अप में भी आप यूज़ कर सकते हो। वार्म अप में दो या तीन मिनट की अगर आप एक्टिविटी करते हो, तो उससे आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है। एंड अगर आप कोई भी, अगर ये एक्टिविटी आप 3 मिनट से ऊपर करते हो, इट मीन्स ये आपकी एरोबिक एक्टिविटी रहेगी। ये जब आप कोई भी आप एरोबिक एक्टिविटी करते हो, उसमें बॉडी क्या करती है, एनर्जी के लिए फैट को यूज़ करती है, ठीक है। तो अगर आप इसे तीन मिनट से ज़्यादा यूज वो करते हो, स्किपिंग करते हो, तो आपका वेट लॉस होता है, इट मीन्स आपका फैट लॉस होता है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसको करने के तीन इजी स्टेप्स। तो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, वो आपने विदाउट रोप करना है। जो आपका रिस्क का लेवल रहेगा, हाँ एक और चीज, कुछ लोगों को ये होता है कि कितनी बड़ी हमने रोप रखनी है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो रोप है आपके हेड से लेके नी से थोड़ा सा लेवल नीचे रहेगा। इट मीन्स जब भी आप रिस्क लेवल पे रखो रोप को, तो वो आपके ओवर हेड मूव करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, तो इसमें आपने विदाउट रोप करना है, ये स्टेप रहेगा आपका फर्स्ट। देखिए इस एंगल से लगा दो, और रिस्ट की पोजीशन आपकी ये रहेगी। और जो लैग का स्टांस रहेगा, वो इतना रखना है आपको। रिस्ट की पोजीशन हमेशा ओब्लिक्स के साइड पे रखनी है आपने, और पावर जो है आपके शोल्डर्स और आर्म से मूव होएगी, यहां से जनरेट होएगी, और सिर्फ रिस्ट को रोटेट करना आपने। और जो थर्ड स्टेप रहेगा आपका, ये डेली 5 मिनट्स करना है। जो 3 स्टेप है, ईच स्टेप 5 मिनट्स करने हैं। किसी ने ज़्यादा नहीं करना, किसी ने कम नहीं करना। अगर ज़्यादा भी करते हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। तो सेकंड जो स्टेप रहेगा, वो आपने रोप के साथ करना है। सिंगल जंप करना और रोप को मूव करना ओवर दी हैंड, सेकंड जंप आपने नहीं मूव करना। जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपको, वो बिहाइंड क्या रखनी है, आपकी बिहाइंड बॉडी रहेगी, उससे साइड नहीं। और सिर्फ आपने क्या करना है, एक सिंपल जंप लेना और लीव। सिंपल जंप एंड लीव, दोबारा से दिखाना हूं मैं ये करके। सिंगल जंप एंड लीव, दोबारा से, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपने पूरा कॉर्डिनेशन में 5 मिनट्स करना है। और इसे आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप टो पे कर सकते हो, इट मींस कि आप सिर्फ पैरों की उंगलियों पे आपने वेट रखना है, ये और आपकी हील जो है अप रहेगी इससे, ये। और सेकंड, आप
इसमें पूरा पैर इन्वॉल्व कर सकते हो, फोर फीट यूज कर सकते हो इसमें। और जो एरोबिक एक्टिविटी जो 3 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट्स या 10 मिनट से ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि 4 फीट पे रहें। और जो थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप जो आता है आपका, उसमें आपने कंटिन्यू करनी है 5 to 10 रैप। जब आपका सेकंड स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड और मसल बिल्कुल अडेप्ट हो जाएगा, तो आप आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने कंटिन्यूशन 10 या 5 करना। तो ये आपने थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप पे आपने पूरे 10 या 15 रेपिटेशन करने हैं। अगेन दोबारा से दिखा रहा हूं, फ्रंट साइड से भी आपको दिखा देता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्की मोमेंटम, जंप मोमेंटम। और एक और चीज, जब भी आप ये कर रहे हो तो आपने लेग्स को फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन देना थोड़ा सा, इट मींस थोड़ा सा हिप को हिंज करना, नीज को स्लाइटली बेंड करोगे। तो ये पूरी पोजीशन आपकी ये रहेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।